हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं मंदिर आई हूँ, दिल्ली का सबसे अच्छा बड़ा मंदिर इस्कॉन टेम्पल। तो इधर सेल्फी ले रहे थे मेरे देवर, तो मैं वीडियो बना रही थी तो हंसने लगे सब लोग, मुझे ही देख रहे कि क्या कर रही है, मंदिर आती है वीडियो बनाने, तो हंस रहे हैं। इधर मेरा ही वीडियो देख के हंस रहे। इधर बाबू को चश्मा पहना रही है खुशी, छोटा बाबू को मस्ती कर रहा है वो। तो इधर सब लोग देख रहे। तो ये मंदिर का बाहर का कुछ लुक ऐसा है, बाहर का नज़ारा मैं दिखा रही थी। सोच चुकी बाहर से ही पूरे अच्छी तरह से, किसी को अगर मंदिर आना भी हो तो अच्छी तरह से सिखा दो कि ताकि आदमी को पता चले कि कैसे आना है। तो वही बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह है। वो आरती पंडित सब जा रहे थे, गा बजा रहे थे, भजन गा रहे थे। तो थोड़ा सा मैं ले पाई क्योंकि दिख नहीं रहा था ना, बाद में दिखा जहाँ पे हम थे वहाँ से दिख नहीं रहा था, उस साइड हो रहा था दूसरे साइड में, और हम थे दूसरे साइड में। तो वहाँ से पंडित जी सब जा रहे हैं। तो इधर मेरी फ्रेंड खड़ी है बाबू को लेकर, इधर मेरे देवर हैं। तो किसी का फ़ोन आ गया शायद, तो वो चले गए बात करने। तो मंदिर का कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही। अगर कितना भी टेंशन रहे में आदमी रहे, इंसान अगर ये मंदिर में जाए तो सारा टेंशन उसी में छोड़ के आता है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, मैं तो हमेशा जाते रहती हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, राधे कृष्ण, बहुत ही अच्छा मंदिर है। गौतम जी हैं, आए हैं घूमने दिल्ली, देवर हैं। तो इधर हम लोग एंट्री ले रहे हैं यहाँ से, मतलब मेन गेट से तो एंट्री ले लिए थे, दूसरा गेट, ये तीसरा गेट लास्ट वाला गेट है, तो मेन मंदिर में घुसते हैं। तो यहाँ से मैं प्रणाम के गेट पे, उसके बाद मैं घुसी तो ऊपर का लुक कुछ इस तरह से है, बहुत ही सुंदर लगता है। अंदर जाने के बाद तो और भी बहुत ही सुंदर लगता है। पूरा वो जो मंदिर आरती हो रही है भगवान का, तो पूरे मंदिर में जो है सोने का ओरिजिनल जो येलो दिख रहा है ना, वो ओरिजिनल येलो है, सोने का पूरा मंदिर। पूरा मंदिर में सोने का परत रखा हुआ है, जितना मुकुट वगैरह का रहा वगैरह, बहुत ही ज़्यादा आज भीड़ था, इतना कभी भीड़ नहीं दिखा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, कभी बार इतनी बड़ी भीड़ नहीं दिखा। गई हूँ बहुत बार, लेकिन इतना भीड़ नहीं था जितना इस बार है, आज का दिन इस दिन था, इतना भीड़ की जगह भी नहीं मिला था भीड़ में, जितना भी हो सका उतना दिखा पाई, जितना दिखाई मैं वीडियो में, जितना मेरा हाथ पहुँच रहा था उतना दिन करके मैं दिखा पाई आप लोग को। मुझे बहुत ही सुंदर मंदिर भगवान इतना देखते रहे, आई नहीं वहाँ पे, इतना मन लगता है, बहुत ही सुंदर है। जल पंडित जी जल चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चढ़ाते क्योंकि शाम के टाइम में जाते खाना वगैरह खाए हुए तो क्या अच्छा नहीं लगता, सुबह सुबह जाए तो अच्छा लगता है पूजा करने में।
भगवान को प्रणाम करने। तो हम लोग आ गए आरती लेके इधर। इधर परिक्रमा होता है, मतलब जो हमारे बिहारी भाषा में बोलते हैं उसे फेरी देना, भगवान का मंदिर का गोर गोर घूमना, चक्कर लगाना, परिक्रमा करना, मुझे बोलना नहीं आ रहा सही से। तब मैं बाहर आ गई हूँ, तो देखिए अब एंट्री मतलब अब निकल रही हूँ, क्योंकि ड्यूटी भी जाना था मेरे हस्बैंड को ना, तो लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैं जितना बना पाई उतना बनाई। तो इधर बाहर का शाम के टाइम में लौटते समय कुछ इस तरह से नज़ारा दिख रहा था, बाहर की तरफ निकल रहे थे। यहाँ पे जैसे एंट्री लेते हैं ना, तो मेन गेट पे ही एक तस्वीर बना हुआ पानी को, बीच में सारे सिक्के डालते, सब कोई सिक्के डालते पहले जाते साथ, तो यही दर्शन होता है। जी साहब लाइव आए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल पे रंजन फौजी पे, उनका चैनल इस पे आए हुए थे लाइव साहब, तो अपने माल में घुसे हुए थे। मेरी फ्रेंड है दीपिया, आप बनेगा कोई भी दिन है खिचड़ी ही इस मंदिर में तोड़ता है। तो हो जाएगा ये दोस्तों, देखो खिचड़ी खा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरे पति देव प्रसादी खा रहे, मुंह लगा दिए हैं पलेटे में। इधर पता नहीं कैसे मेरे पति देव गौतम जी बनाए कि कौन बनाए, पति देव का डुप्लीकेट गौतम जी बिका रहे, तो यहाँ का कुछ अलग से देखने को लग रहे हैं।